हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं ELP 13 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुई थी उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आज हम लोग बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि लाल, हरा और गुलाबी टोकने वाले बैग में, यानी कि एक बैग है जिसमें तीन प्रकार के टोकन है, लाल, हरा और गुलाबी। और आगे कह रहा है लाल और हरे टोकन का जो अनुपात है वो 5:12 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का जो अनुपात था वो 7:15 था। तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या था? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाल, हरा दोनों प्रकार के टोकन का जो अनुपात है वो 5:12 में दिया गया है, लाल और हरा टोकन का अनुपात। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में गुलाबी और लाल टोकन का जो अनुपात था, गुलाबी और लाल टोकन दोनों का जो अनुपात था वो 7:15 था। गुलाबी और लाल इन दोनों टोकन का जो अनुपात था वो 7:15 था। अब हमसे पूछा जा रहा है गुलाबी टोकन, हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या होगा? हरा और गुलाबी ये दोनों टोकन का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ भी लाल टोकन है और यहाँ भी लाल टोकन है, और यहाँ लाल टोकन 15 है और यहाँ लाल टोकन 5 है, यानी कि दोनों जगह यदि लाल टोकन है तो दोनों जगह लाल टोकन का मान समान होना चाहिए। तो जब यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 करेंगे, या यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 करेंगे। तो हमारे लिए 15 करना आसान होगा क्योंकि हम 3 से इधर यदि भाग कर देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 3×5=15 और 12×36 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तो 15 है और अब यहाँ भी 15 हो गया, यानी कि दोनों जगह अब लाल टोकन की संख्या जो है वो समान हो गया। जब दोनों जगह लाल टोकन का संख्या समान हो गया यानी कि रेशियो जो है वो अब संतुलित हो गया। जब रेशियो संतुलित हो गया तो हमसे पूछा जा रहा था हरा और गुलाबी टोकन का अनुपात, तो अब जो आंसर हो जाएगा आपका वो हरा टोकन 36 हो जाएगा, तो गुलाबी टोकन कितना यहाँ से ले लेंगे 7 हो जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 36:7 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5329 का वर्गमूल क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन बनाने का प्रयास करेंगे। बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे कि पहला ऑप्शन जो है वो हमारा 97 है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है 96 है, और तीसरा ऑप्शन 94 है, और पांचवा ऑप्शन 73 है। तो हम क्या करेंगे कि 5329 का हमसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। अब यदि हम सबसे पहले 90 का स्क्वायर करके देखें तो कितना होता है, 90 का स्क्वायर 20 और 9×9=81, यानी कि 8100 हो जाएगा। और हमें कितना का वर्गमूल निकालना है, 5329 का, यानी कि 8100 से छोटा है, यानी कि वर्गमूल जो होगा वो 90 से छोटा होगा, और हमारा तीन ऑप्शन जो है वो 90 से बड़ा है, मात्र एक ऐसा ऑप्शन डी है जो 90 से छोटा है जो 73 है, यानी कि हम 73 का स्क्वायर करेंगे तो 5329 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की जो लंबाई है वो 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई का योग क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज कहलाता है जिसकी चारों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है, और समचतुर्भुज का जो डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह हो जाएगा, और समचतुर्भुज की भुजा जो है वो एक भुजा 41 सेंटीमीटर दी गई है। तो समचतुर्भुज की जब एक भुजा 41 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा भी 41 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा भी 41 सेंटीमीटर और चौथी भुजा भी 41 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। उसके बाद एक बात याद यहां से रखिएगा कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर काटती है, यानी कि यहाँ यदि 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना। और दूसरी बात याद रखिएगा कि समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होती है वो आपस में एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि यहां से यहां तक जितनी लंबी होगी उतनी ही लंबी यहां से यहां तक भी होगी, और उसके बाद यहां से यहां तक जितना लंबा होगा उतना ही लंबा यहां से यहां तक भी होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई का योग क्या होगा। तो देखिए समचतुर्भुज में एक कोण यदि 90 डिग्री यहाँ त्रिभुज में बन रहा है, जब त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री बन रहा है यानी कि ये त्रिभुज जो हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो ट्रिपलेट आप लोग को याद होगा कि 9, 40, 41 का ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट उसे हम लोग कहते हैं
जब दो छोटी भुजा का वर्ग करने के बाद इसका योग जो है इस बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। और ट्रिपलेट नंबर जो होता है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो यदि 41 यहाँ एक भुजा है तो 940 41 वाला ट्रिपलेट नंबर इसमें लगेगा। अब यदि 940 41 वाला ट्रिपलेट नंबर यदि यहाँ लगेगा तो एक भुजा 41 हो गया, तो ये भुजा हम 9 मान सकते हैं और दूसरी भुजा को हम क्या 40 मान सकते हैं। यानी कि ये 9, ये 40, ये 41, यानी कि 940 41 वाला ट्रिपलेट नंबर इस त्रिभुज में लगेगा। तो यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 9 है, तो यहां से यहां तक का भी लंबाई 9 हो जाएगा। यानी कि ये संपूर्ण विकर्ण का जो लंबाई हो जाएगा वो कितना 18 हो जाएगा। उसी तरह यहां से यहां तक यदि 40 है तो यहां से यहां तक भी 40, यानी कि इस संपूर्ण विकर्ण का जो लंबाई हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। और हमसे जो है दोनों विकर्णों का योग पूछा जा रहा है, तो एक विकर्ण की लंबाई 80, दूसरी विकर्ण की लंबाई 18, तो दोनों का यदि हम योग कर दें तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। यानी कि दोनों विकर्ण का जो लंबाई हो जाएगा वो 98 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 493/29, यानी कि 493/29 बराबर जो दिया गया है वो 17 दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 4.93/0.0017 का मान क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए यहां से यदि दशमलव के बाद दो अंक है तो इधर क्या हो जाएगा, एक पे दो जीरो हो जाएगा। उसके बाद जो है दशमलव के बाद यहाँ कितना चार अंक है, तो यहाँ जो आ जाएगा वो आपका 4 जीरो आ जाएगा एक पे। अब दो जीरो से दो जीरो खत्म, और हमें तो 493/29 का मान 17 दिया गया है। तो अब यदि हम यहाँ 493/17 का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे कि 29 को उधर भेजेंगे, इधर भाग में है तो उधर गुना में हो जाएगा और ये 17 जो है इधर आ जाएगा। यानी इसी को हम थोड़ा सा इस तरह लिख सकते हैं, 17 इधर आ जाएगा और 29 उधर चल जाएगा। यानी कि 493/17 का जो मान होगा, 493/17 का जो मान होगा वो 29 होगा। अब यहाँ जो है इतना का मान कितना है, 493/17 है इतना, तो यानी कि इतना का मान 29 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 100 बचा था, तो यानी कि गुना कर देंगे 100 से, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा इतना का मान, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पीटर और प्रीति की आयु का जो अंतर है वो 5 वर्ष है। जब उन्होंने 35 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी की तब पीटर की आयु का 4 गुना प्रीति की आयु के 5 गुना के बराबर था, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। तो 35 वर्ष पहले जब दोनों ने शादी किया तो पीटर की आयु का 4 गुना, यानी कि पीटर की जितना भी आयु होगा उसका 4 गुना और जो है प्रीति की आयु के 5 गुना के बराबर है, ठीक ना। 35 वर्ष पहले का बात ये कर रहा है। तो अब यहां से हम दोनों की आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो कैसे निकालेंगे कि पीटर और प्रीति इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। यानी कि पीटर बटा प्रीति बराबर 5 उधर रहेगा और इधर 4 गुना में है, इधर आएगा, यानी कि 5/4। दोनों की आयु का रेशियो जो है पीटर का 5 और प्रीति का 4 यहां से हो जाएगा। और दोनों की आयु का अंतर हमें जो है रियल में पता है, तो यहाँ से रेशियो में भी हम दोनों की आयु का अंतर ही निकालेंगे। तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना 1, यानी कि अनुपात 1 आया। यानी कि दोनों की आयु में अंतर जो है वो रेशियो में 1 का है और रियल में अंतर कितने का है, 5 का है। यानी कि ये भी अंतर दोनों बराबर हो जाएगा। यानी अनुपात 1 का जो मान है वो 5 है। जब अनुपात 1 का मान 5 है तो यहाँ से हम अनुपात 5 का मान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ अनुपात 4 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात 1 का मान 5 है। तो अनुपात 4 का मान निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे तो कितना, 20 हो जाएगा। और ये आयु जो है दोनों का 35 वर्ष पहले का आयु है, क्योंकि ये रेशियो भी पहले का दिया गया था, 35 वर्ष पहले का। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों में 35 का एड कर देंगे। अब यदि हम दोनों में 35 का एड करते हैं और हमसे दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है, तो 35 35 कितना 70 हो जाएगा और 25 20 कितना 45 हो जाएगा। यानी कि दोनों की वर्तमान आयु का जो योग होगा वो 5 7 4 11 115 जो हो जाएगा वो दोनों की वर्तमान आयु का
योग हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में 5000 रुपये खर्च करता है, और एक मेज की कीमत जो है वो 50 रुपया है और एक कुर्सी की कीमत जो है वो 40 रुपया है, तो खरीदी गई कुर्सी की संख्या और मेज की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में जो है मेज की संख्या दिया गया है और कुर्सी की संख्या नहीं दिया गया है, और हमें दोनों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो एक की संख्या दिया गया है और एक की संख्या हमें पता करनी है। तो माना कि कुर्सी की संख्या नहीं दिया गया, तो हम मान लेते हैं कि कुर्सी की संख्या x रहा होगा। तो जब कुर्सी की संख्या x रहा होगा माना कि, फिर आगे क्वेश्चन में जो है मेज की कीमत 50 रुपया है, यानी कि एक मेज जो है हम 50 रुपया में खरीद रहे हैं, तो कितने मेज क्वेश्चन के अनुसार खरीद रहे हैं, 12 मेज खरीद रहे हैं। तो 12 गुणे 50 करेंगे तो टोटल मेज का कीमत आएगा, और एक्स कुर्सी हम खरीद रहे हैं और एक कुर्सी का कीमत कितना है, 40 रुपया है, और एक्स कुर्सी खरीद रहे हैं तो टोटल कुर्सी का कीमत निकालने के लिए एक्स गुणे 40 करेंगे, और टोटल जो है 5000 रुपया खर्च करता है, यानी कि मेज और कुर्सी दोनों को मिला के 5000, यानी कि दोनों का योग जो है हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक ना। अब यहां से x का मान निकालेंगे, तो x का मान कैसे निकालेंगे कि यहां हो जाएगा आपका 0 और 12 पंचे 60, यानी कि 600 हो जाएगा, और 600 उधर जाएगा तो घटेगा, और उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, जब 5000 में से 600 हम घटाएंगे तो 4400 हो जाएगा, और 4400 यानी कि x गुने 40 का जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना 4400 हो जाएगा। अब यदि 0 से 0 यहाँ कटेगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि x का जो मान हो जाएगा वो कितना 110 हो जाएगा, और कुर्सी का सॉरी मेज का जो मान था वो 12 क्वेश्चन में दिया गया था और हमसे दोनों का रेशियो पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन में पहले कुर्सी की संख्या और उसके बाद मेज की संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। तो कुर्सी तो हम लोग x माने थे, यानी कि कुर्सी की संख्या कितनी है, 110 है, और मेज की संख्या कितनी है, 12 है, और दोनों का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। अभी 2 से कटेगा कई बार में, 55 बार में कटेगा, और 2 से 12 6 बार में कटेगा, यानी अब तो कटेगा नहीं। तो कहने का मतलब कुर्सी और मेज का जो रेशियो होगा वो 55 अनुपात जो है वो 6 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए एक भरे हुए टैंक को 28 घंटा में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी खाली टैंक को 35 घंटा में भर सकता है। भरे टैंक से आरंभ करते हुए यदि एकांतर रूप से पाइप ए और बी को हर बार एक एक घंटे के लिए चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए एक टैंक है, सॉरी पाइप है, जो किसी टैंक को जो है 28 घंटा में अगर खाली करना चाहेगा तो खाली कर देगा, और ये खाली कर रहा है यानी निगेटिव काम कर रहा है। इसी तरह बी जो है किसी टैंक को भरना चाहेगा तो वो अकेले 35 घंटा में भर देगा, यानी भर रहा है तो पॉजिटिव काम कर रहा है। अब यदि हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो टोटल वर्क हो जाएगा। तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 4 लिख सकते हैं, इसी तरह 35 को हम 7 × 5 लिख सकते हैं। अब दोनों में 7 कॉमन है तो 7 यहाँ आएगा, और यहाँ 4 कॉमन नहीं है तो 4 लेंगे, 5 यहाँ भी कॉमन नहीं है तो 5 लेंगे, यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 7 × 4 × 5 हो जाएगा। अब हम 7 × 4 = 28 और 28 × 5 = कितना 140, यानी एलसीएम जो हो जाएगा वो 140 होगा, यानी टोटल वर्क जो होगा वो 140 हो जाएगा। अब यदि टोटल वर्क इसका 140 होता है तो इसी टोटल वर्क को ये जो है 28 दिन में खाली करता है, यानी 140 को 28 दिन में खाली करता है। तो 28 से यदि हम भाग कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो 28 से 140 में भाग करेंगे, 7 × 4 = 28, यानी 5 बचता है। कहने का मतलब ए जो है एक दिन में 5 यूनिट खाली करेगा। इसी तरह बी जो है 35 दिन में 140 यूनिट काम कर रहा है। जब बी 35 दिन में 140 यूनिट काम कर रहा है तो 35 से इसी 140 में हम भाग देते हैं तो बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमें पता चलेगा। तो 35 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी बी 4 बचता है। तो कहने का मतलब बी एक दिन में 4 काम करेगा, यानी 4 यूनिट पानी भरेगा। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए और बी को हर बार एक एक घंटे के लिए चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी एकांतर रूप से अल्टरनेट डे के रूप में जो है दोनों काम करता है। यानी कहने का मतलब पहले दिन काम ए करेगा और दूसरे दिन ए को बंद करा के बी से काम करवाना है।
इसी तरह तीसरे दिन बी को बंद कर देंगे, ए से काम करवाएंगे, फिर अगले दिन ए को बंद करके बी से काम करवाएंगे। इसी तरह काम को समाप्त करना है 140 काम को। अब देखिए ए क्या करता है, काम करेगा तो 5 यूनिट पानी खत्म कर देगा यानी खाली कर देगा, और बी यदि काम करेगा तो वो क्या करेगा, 4 यूनिट पानी को भर देगा, और बी भरेगा ए खाली करेगा यानी 5 से खाली करता है 4 से भरता है यानी 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यानी दो घंटा हो जाएगा, यानी 2 घंटा में जो हो जाएगा वो 2 घंटे में 1 यूनिट पानी को खाली करेगा। अब 2 घंटा में 1 यूनिट पानी को खाली करना है और हमें जो है इन दोनों से 140 यूनिट पानी को खाली करवाना है। तो जब कभी भी इस तरह अल्टरनेट देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए जो शुरुआत कर रहा है खाली करने का 5 यूनिट से, तो ए लास्ट में एक ऐसा समय आएगा कि पूर्ण रूप से टंकी को खाली कर देगा और बी को चलाने की कोई आवश्यकता में नहीं होगी, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि ए काम कर रहा है पहले वो हम सबसे पहले घटाएंगे, और घटाएंगे तो कितना 135 हो जाएगा, यानी दोनों द्वारा 135 काम कराएंगे और लास्ट में ए काम करेगा तो लास्ट में ए तो 5 यूनिट करेगा अकेले और खाली कर देगा, और ये खाली जब टंकी को पूर्ण रूप से कर ही देगा तो बी को चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम 5 को घटाते हैं सबसे पहले, यानी कि जो पहले काम करता है उसे घटाएंगे। तो यहाँ 2 घंटा में एक काम, तो यानी 135 हम करने के लिए 135 से गुना करेंगे इधर, तो 135 से इधर भी गुना करेंगे, यानी कि 270 घंटा में जो है हम 135 काम कर रहे हैं। अब जो है 5 काम बचा है और यही 5 काम लास्ट में ए आएगा, और जब सॉरी इधर 5 ऐड करेंगे ना, तो जब 5 ए आएगा और लास्ट में कर देगा और ए आएगा यानी 1 घंटा ही करेगा तो काम हो जाएगा, यानी कि 271 घंटा में जो है 140 काम जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि टंकी को जो है 271 घंटा में पूर्ण रूप से जो है खाली कर देगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 6% साधारण ब्याज पर 6.12 वर्षों में कुछ धनराशि जो है 834 रुपया हो जाती है, तो शुरुआत में निवेश की गई राशि कितनी थी। यानी कि हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है, और मिश्रधन क्वेश्चन में दिया गया है। मिश्रधन का अर्थ होता है कि मिश्रधन में मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और ऐसा यानी साधारण ब्याज दोनों ऐड रहता है, उसे हम लोग क्या मिश्रधन कहते हैं। तो इसका मान जो है हमें दिया गया है क्वेश्चन में 834, और दर भी दिया गया है 6%, और समय जो है वो दिया गया है 6.12 वर्ष, और हमसे जो है मूलधन पूछा जा रहा है। तो देखिए मिश्रधन यानी कि अमाउंट दिया गया है 834, और इस 834 में से यदि हम मूलधन को घटा देते हैं पी को, तो ये एसआई कहलाएगा, और जब एसआई कहलाएगा तो एसआई का फॉर्मूला होता है पी, तो हमें तो पी निकालना ही है यानी कि मूलधन, तो पी गुने आर, और आर जो हो जाएगा वो हमारा क्वेश्चन में 6% दिया है, तो 6 × t जो हो जाएगा वो 6.12 दिया गया है, यानी कि 6 × 12 और 1 13/2 हो जाएगा टी, यानी कि समय, तो 13/2 समय हो जाएगा। अब जो है हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे और 2 से कटेगा 6, 3 बार में 39 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ यदि 39 होता है तो 100 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में गुना होगा, और जब दोनों में गुना होगा तो 834 पे 20 100 से गुना करेंगे तो, और P में गुना करेंगे तो माइनस कितना 100 P हो जाएगा, बराबर उधर 39 P हो जाएगा। अब देखिए जब इधर 39 P और इधर माइनस में 100 P है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 100 P और 39 P ये मिलके हो जाएगा 139 P, यानी 139 P का जो मान हो जाएगा वो 834 पे 20 हो जाएगा। अब यदि हम 139 से काटेंगे 834 को, तो 9×5 = 45 और 9×6 = 54, यानी 139 से जो है वो 6 बार में कटेगा 834 और 20 उतरेगा इस पे, यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल जो हमारा हो जाएगा, मूलधन जो हो जाएगा वो 600 हो जाएगा, जो हमसे मूलधन पूछा जा रहा था, तो मूलधन जो हो जाएगा वो 600 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 20 प्राप्त करने के लिए 10.2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, यानी कि 10.2/3 में जो है किस संख्या से हम भाग करें कि हमें 20 मिल जाए।
तो देखिए 10 दिया 30 और 2 32, यानी कि 32 बट्टा 3 में माना कि हम x से यदि भाग करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। अब x जो है इधर भाग में है और इधर जाएगा पलट जाएगा, यानी कि 32 बट्टा 3 गुने 1 बट्टा x हो जाएगा। यहाँ नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर 20 है तो 20 लिखेंगे। अब यहाँ से कटेगा 16 बार में 2 से और 2 से ये 10 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में, ये 3 इधर भाग में है उधर जाएगा गुना में, यानी हो जाएगा 15, और ये इधर गुना में है इधर आएगा भाग में, यानी 1 बट्टा x का जो मान हो जाएगा 3 पंचे 15 और बट्टा ये आ जाएगा इधर यानी 8। अब हमें x का मान निकालना है क्योंकि हम तो x से भाग किए हैं, तो x का मान निकालेंगे तो पलट देंगे, यानी कि x का जो मान हो जाएगा वो 8 बट्टा 15 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है कि हम 10 पूर्णांक 2 बट्टा 3 में जो है 8 बट्टा 15 से यदि भाग करते हैं तो हमें 20 मिलेगा, ठीक ना, जो आंसर हो जाएगा आपका 8 बट्टा 15। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ मानव शरीर में खनिज के विवरण को दर्शाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति की शरीर में सभी वर्णित खनिज की कुल 1000 यूनिट है तो उसके शरीर में कैल्शियम कितनी इकाई है, यानी कुल जो है किसी व्यक्ति की शरीर में खनिज की मात्रा 1000 यूनिट है। तो जब रियल में 1000 यूनिट है तो हम प्रतिशत में मान सकते हैं कि 100% रहा होगा कुल अपने आप में। अब यदि कुल 100% रहा होगा और रियल में कितना 1000 दिया गया है और हमसे कैल्शियम की मात्रा पूछा जा रहा है, यानी कि 40% का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1% का मान निकालेंगे, और 1% का मान निकालेंगे तो 1000 में 100 से भाग करेगा तब जाके 1% का मान निकलेगा। अब हमें कैल्शियम का निकालना है यानी कि 40% का निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 40 से गुना कर देंगे तब जाके हमें 40% का मिलेगा। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी 4 गुने 100 करेंगे तो कितना 400 हो जाएगा, यानी कि 40% का जो मान हो जाएगा वो यहाँ 400 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम जो है वो 400 है रियल में और प्रतिशत में जो है वो 40% है, ठीक ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन है कि 4000 का 54% कितना होगा। तो देखिए 4000 का हमसे 54% पूछा जा रहा है, तो 4000 का मतलब गुना और 54% यानी 54% हटेगा तो कितना 100 से भाग करेगा। अब 20 से 20 खत्म हो जाएगा इधर, अब इधर यदि 20 से खत्म हो जाता है तो 40 गुना 54 करेंगे तो 54 जीरो का जीरो और 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1 और 4 पंचे 20 और 1 21, यानी कि 4000 का 54% जो है वो 2160 हो जाएगा, जो ऑप्शन होगा डी नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या जो है वो 15:11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या दिया गया है और दोनों संख्या जो है वो रेशियो में दिया गया है, और इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ दिया गया है ना वो 13 दिया गया है रियल में, और हमसे ये दोनों संख्या का मान रियल में पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी दो संख्या का रेशियो दिया रहेगा और उन्हीं दोनों संख्या का एचसीएफ भी दिया रहेगा तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए 15 यानी कि पहली रेशियो में एचसीएफ से गुणा करेंगे तो पहली संख्या हमें मिलेगा 15 × 13 195, यानी पहली संख्या हो जाएगा। और दूसरी रेशियो में यानी कि दूसरी संख्या की रेशियो में यदि हम एचसीएफ से गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या का मान हमें पता चलेगा, तो 11 × 13 करेंगे तो कितना 143 हो जाएगा, यानी पहली संख्या 195, दूसरी संख्या 143। और हम जो है गुना करके ही संख्या क्यों पता करते हैं, क्योंकि 15 और 11 यानी कि कभी भी दो संख्या का रेशियो यदि दिया रहेगा तो उन दोनों संख्या की रेशियो का यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो हमेशा एक ही होगा, यानी कि 15 और 11 ये रेशियो है और 15 और 11 का हम यदि एचसीएफ निकालते हैं तो वो एक आएगा, यानी कि रेशियो में जो एचसीएफ आएगा वो एक आएगा और रियल में जो रेशियो एचसीएफ दिया है वो 13 दिया है, तो दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेशियो में एचसीएफ और ये रियल में एचसीएफ। अब यदि 1 का मान 13 है तो यहाँ से 15 का मान निकालने के लिए 15 × 13 इसलिए करते हैं, और यहाँ 1 का मान 13 है तो 11 का मान निकालने के लिए 11 × 13 जो है इसलिए हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो पहली संख्या जो है वो 195, दूसरी संख्या 143 हो जाएगा,
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुमित को 6 दिनों को बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे, हालांकि उसे अपने प्रवास को 4 दिन और बढ़ाना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 56 रुपया कम हो जाता है, तो शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुमित को 6 दिन के लिए कहीं यात्रा पे भेजा जाता है और किसी कारणवश जो है और प्रवास यानी यात्रा को 4 दिन बढ़ाना पड़ता है, तो परिणाम स्वरूप औसत दैनिक यात्रा भत्ता यानी कि डेली की खर्चा वो 56 रुपया कम करने लग जाता है, तो उसी रुपया में जो है वो 10 दिन बिता कर चले आता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी, तो माना कि शुरुआत में जो है उसे 1 दिन के लिए एक्स राशि दी गई थी हम यदि मान ले, और शुरुआत में वो 6 दिन के लिए गया था, तो जब शुरुआत में 6 दिन के लिए गया था और 1 दिन के लिए उसे एक्स रुपया दिया गया था, तो 6 गुना x यानी 6x रुपया दिया हो गया होगा उसे टोटल। अब यदि टोटल उसे 6x रुपया दिया हो गया होगा, तो अब फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि प्रवास को 4 दिन और बढ़ाना पड़ा यानी कि वो 6 दिन के लिए गया था और 4 दिन और बढ़ाना पड़ा यानी कि 10 दिन हो गया, और जब वो 10 दिन रहेगा तो अब जो है उसी रुपया में उसे बिताना है 10 दिन, यानी कि 6x में ही उसे 10 दिन बिताना है। तो अब यदि वो 6x में 10 दिन बिताना चाहेगा, तो वो जितना रुपया पहले खर्च कर रहा था 1 दिन में, उससे यदि 56 रुपया अब कम खर्च करेगा ना, तब वो 10 दिन में जो है इतना ही रुपया खर्च कर पाएगा, क्वेश्चन में जो कह रहा है। तो जब एक्स माइनस 56 रुपया 1 दिन में खर्च करेगा, तो वो 10 दिन में खर्च किया गया रुपया और 6 दिन में जो है खर्च किया गया रुपया दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब जो है हम यहां से यदि सॉल्व करते हैं, तो 6x बराबर ये 10 को गुना करेंगे 10x हो जाएगा, माइनस 560 हो जाएगा। अब ये 10 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी कि माइनस कितना 4x बराबर माइनस 560 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और 4 से यदि हम काटेंगे तो 4 × 4 4 × 16 और 0 × 0 यानी x का जो मान होगा वो कितना 140 होगा। तो कहने का मतलब कि उसे 1 दिन के लिए जो है 140 रुपया दिया गया था, लेकिन उसे तो क्या कहते हैं 6 दिन के लिए भेजा गया था, और हमसे कुल राशि पूछा जा रहा है कि कितना दिया गया था, तो 1 दिन के लिए 140 रुपया, तो 6 दिन के लिए निकालने के लिए गुना करेंगे, तो 0 से 0 और 6 × 24 = 4 हाथ में 2 और 6 × 6 = 2 = 8 यानी कि उसे कुल 840 रुपया दे के जो है उसे यात्रा पर भेजा गया था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 27 सेकंड में 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि ए 72 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही थी तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी। ट्रेन की लंबाई यानी कि हमसे दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल गुना समय। तो चाल भी हमें पता है, समय भी हमें पता है, लेकिन दूरी जो है हमें नहीं पता है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी पता है। तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी दी गई है, 375 दी गई है, और हमसे जो है ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। तो कुल दूरी कितना, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड करते हैं तो कुल दूरी हमें पता चलेगा, और दोनों को ऐड करके हम कुल दूरी इसलिए निकालते हैं क्योंकि यदि माना कि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा लंबा यदि रहा होगा, और जब प्लेटफॉर्म इतना बड़ा लंबा रहा होगा तो ट्रेन का जो इंजन यहाँ रहा होगा और डब्बा पिछले यहाँ रहा होगा, तब ट्रेन यहाँ से यदि चलना स्टार्ट की होगी तो यहाँ यदि पिछला डब्बा आता है और ट्रेन का अगला इंजन यहाँ पहुंचता है, तब जाके ट्रेन जो है पूर्ण रूप से प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। और जब ट्रेन की इंजन यहाँ पहुंच जाती है, यानी कि ट्रेन इतना दूरी तो तय की है, साथ में इतना भी दूरी तय की है, तब तो ट्रेन का इंजन यहाँ पहुंची है, और इतना दूरी तय करने का मतलब वो ट्रेन जो है अपनी दूरी भी तय कर रही है प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करने के साथ साथ, इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म की दूरी में ट्रेन की लंबाई को ऐड करते हैं, तब जाके टोटल जो है हमें दूरी पता चलता है, और टोटल दूरी जो है 375 प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा। अब जो है हम यहाँ से चाल को लेंगे, तो चाल हमारा कितना दिया गया है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, यही दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और समय जो हमारा दिया गया है वो सेकंड में यानी कि 27 सेकंड दिया गया है,
27 सेकंड दिया गया है, और ये भी मीटर में और ऑप्शन भी मीटर में, यानी कि एक्स का मान भी मीटर में निकलेगा और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इस किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे कि मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर में जो है हम लोग 5/18 से गुना करते हैं तो यही मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है, और इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से यदि गुना कर देते हैं तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। तो इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो देखिए याद रखने का तरीका कि किलोमीटर पर आवर जो है ये बड़ा मात्रक है और ये छोटा मात्रक है ना। अब ये जो है छोटा भिन्न है, 5/18 और 18/5 क्या है, बड़ा भिन्न है। तो जब बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक में जाते हैं तो छोटा भिन्न से गुना करते हैं, छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक में आते हैं तो बड़ा भिन्न से गुना करते हैं, यानी कि हमें बड़ा मात्रक में पहुंचना होगा तो बड़ा भिन्न से गुना करेंगे और छोटा मात्रक में यदि पहुंचना होगा तो छोटा भिन्न से गुना करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर यहाँ दिया गया है और हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि छोटा मात्रक में जाना है। जब छोटा मात्रक में जाना होगा तो छोटा भिन्न से गुना करेंगे, यानी 5/18 से गुना करेंगे, तब जो है ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और हमारा समय कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 27 सेकंड, तो गुने क्या कर देंगे 27 कर देंगे। अब 18 से काटेंगे तो 18 + 54, 18 + 4 कितना 72 हो जाएगा, और 5 + 4 इधर 20 हो जाएगा, और 20 गुने क्या करेंगे 27 करेंगे, तो 0 और 27 × 54 यानी कि 540 हो जाएगा यहाँ। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 540 में से क्या होगा कि 375 को घटाएंगे तो हमें x का मान मिलेगा। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, यहाँ 13, और 13 में से 7 जाएगा तो 6, और उसके बाद 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, होगा ना, 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, यानी x का जो मान होगा वो 165 मीटर होगा, और 165 मीटर यानी कि ट्रेन जो है वो 165 मीटर लंबी है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और विकर्ण में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो अन्य विकर्ण की लंबाई क्या है। तो देखिए समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है, समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज का डायग्राम जो होगा कुछ इस तरह हो जाएगा। अब समचतुर्भुज की विकर्ण जो होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ भी 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन में समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर दी गई है, तो एक भुजा यदि 13 सेंटीमीटर तो दूसरी भी, तीसरी भी और चौथी भी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की चारों भुजा जो होती है वो बराबर होती है। और जब किसी भी त्रिभुज की जो है एक कोण यदि 90 डिग्री हो जाता है तो वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये जो हो जाएगा यहां से यहां एक समकोण त्रिभुज, फिर यहां से यहां एक, और यहां से यहां एक, और फिर यहां से यहां एक समकोण त्रिभुज, यानी कि 4 समकोण त्रिभुज इसमें जो है हो जाता है। उसके बाद आगे जो है विकर्ण में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि यहां से यहां तक का जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो एक बात याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि यहां से यहां तक जितना लंबा उतना ही लंबा यहां से यहां तक, और जितना लंबा यहां से यहां तक उतना ही लंबा यहां से यहां तक होगा, यानी यदि ये 10 सेंटीमीटर है पूरा टोटल लंबा विकर्ण तो यहां आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज की दो भुजा हमें पता है, 1 13 और 1 5, तो याद कीजिएगा कि ट्रिपलेट नंबर एक होता है 5 12 13 का, और ट्रिपलेट नंबर समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाती है,
यानी कि जब हम दो छोटी भुजा का वर्ग का योग करते हैं तो एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उसी को हम लोग ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की एक को एक भुजा 5, दूसरी भुजा 13, तो 5 13, तो एक भुजा बाकी भुजा यानी 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 5 ये 13 तो ये भुजा 12 हो जाएगा। अब यदि ये 12 यहाँ से यहाँ तक होगा तो हमें तो एक विकर्ण की टोटल लंबाई यानी कुल लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि 12 तो यहाँ से यहाँ तक भी 12, यानी कि संपूर्ण विकर्ण की लंबाई कितना 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस विकर्ण की लंबाई तो 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया ही था, यानी कि हमसे दूसरी विकर्ण का मान पूछा जा रहा था, तो दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रथीन अब से 16 वर्ष का है जबकि उसका कजिन 7 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद रथीन की आयु उसके कजिन की आयु के डेढ़ गुना होगी। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद रथीन की आयु, रथीन और कजिन दो व्यक्ति है, तो कितने वर्ष बाद रथीन और कजिन की आयु का जो है डेढ़ गुना रथीन का आयु होगा। तो माना कि कजिन का आयु यदि 1 रहा होगा तो रथीन का आयु कितना 1.5 यानी डेढ़ गुना हो जाएगा। अब यदि यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो एक अंक दशमलव के बाद एक अंक, तो 1 पर 1 0 और 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 2 10, और इधर 2 है उधर यदि जाएगा तो कितना 3:2 हो जाएगा। यानी कि कजिन का यदि 2 होगा तो रथीन का 3 होगा। कब होगा, जब हम कितने वर्ष की बात जो है इस रेशियो में होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए रथीन 16 वर्ष का है और यहाँ हमें रेशियो का मान पता है, और जब रेशियो का मान हमें पता है तो रेशियो में ही निकालने का प्रयास करेंगे, यानी जिसमें मान पता रहेगा उसी में मान को निकालने का पता करेंगे। तो देखिए रथीन 16 वर्ष का था और कजिन कितने 7 वर्ष का था, इन दोनों में हम क्या ऐड कर दें कि रेशियो में इतना आ जाए। तो इसमें माना कि एक्स ऐड कर दें और इसमें भी यदि एक्स ऐड कर दें और दोनों को हम भाग के रूप में लिखे हैं यानी रेशियो के रूप में लिखे हैं, और यहाँ से रेशियो क्या है 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यदि सॉल्व करेंगे इधर 2 से गुना करेगा, 16 × 2 = 32 + 2x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो कितना 7 3 = 21 + 3x हो जाएगा। अब 21 इधर आएगा तो कितना 11x घट के हो जाएगा, और बराबर ये उधर जाएगा तो x हो जाएगा, सॉरी x नहीं होगा सिर्फ 11 होगा, यानी x का जो मान है वो 11 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है हमसे पूछा जा रहा था कितने वर्ष बाद रथीन की आयु कजिन की आयु का डेढ़ गुना होगी, यानी कि x का मान हम x ऐड किए हैं तो x का मान 11 आया है, यानी 11 वर्ष के बाद जो है दोनों का आयु इस अनुपात में जो है वो हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 10 लड़कों के टेस्ट में मध्य स्कोर 15 था जबकि कक्षा में 25 छात्रों का कुल माध्य जो था वो 16.2 था, तो लड़की का माध्य स्कोर क्या था। देखिए कक्षा में 10 लड़कों के टेस्ट में माध्य स्कोर 15 था, माध्य मतलब औसत, तो जब 15 था 10 लड़कों का तो योग कितना हो जाएगा 10 का 15 × 10 यानी 150 योग हो जाएगा 10 लड़का का। अब हमसे आगे क्वेश्चन में फिर कह रहा है 25 छात्र का कुल माध्य, यानी कि 25 छात्र जो है ये टोटल सिर्फ बुआ ही है, लड़का ही है। अब इसमें लड़का और लड़की दोनों है तो इन दोनों का जो माध्य है वो 16.2 है, ठीक ना। तो अब 25 गुने इतना करेंगे तो 25 का योग निकलेगा और दशमलव हटेगा 10, और 5 से काटेंगे 25, 5 × 10, और 2 से इधर काटेंगे तो 2 8 16, 81 बार में कटेगा। अब 5 × 81 यदि हम करते हैं तो 5 × 5 और 8 × 5 = 40 हो जाएगा, यानी 405 जो है इसमें जो है बुआ और गर्ल्स दोनों का योग है, बुआ प्लस गर्ल्स लड़की, यानी कि लड़का और लड़की दोनों का इसमें जो है योग है। तो अब यदि हम इसमें से लड़का का योग घटा देते हैं तो सिर्फ लड़की का बचेगा, तो लड़का कितना है 10 है और 10 का योग कितना 150 है, घटा यदि देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 255 हो जाएगा। और ये 255 अंक जो है सिर्फ लड़की का है, और कितनी लड़की है तो 15 लड़की है, यानी कि 15 लड़की का 255 जब है, और जब 15 लड़की का योग 255 है तो हम लड़की की माध्य निकालेंगे यानी कि औसत निकालेंगे, तो लड़की की कुल अंक योग अंक में जो है हम लड़की की संख्या से भाग करेंगे, यानी 255 से जो है
हम यदि 15 से भाग कर देते हैं ना, 255 से क्या करेंगे, 15 से 255 में 15 से यदि भाग करेंगे तो क्या बार में जाएगा, 15 कन 15 और बचता है यहाँ कितना 10 और 10 पे 5, 15 सत्य 105, यानी कि 17 जो है वो लड़की का औसत अंक हो जाएगा, ठीक ना, जो हमसे पूछा जा रहा था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।